2018 में रिलीज हुई स्त्री फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पे एक नया रिकॉर्ड बनाया था। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जबरदस्त जोड़ी में बनी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म की डायरेक्टर हैं अमर कौशिक और उनकी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक और पार्ट आने से तुरंत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है। यस, मैं यहाँ पे स्त्री फिल्म की सीक्वल स्त्री 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर हॉरर फिल्म स्त्री का सीक्वल आ गया है और जहां आपको हॉरर एंड कॉमेडी का डबल डोज मिलेगा। व्हाटएवर, मैं यहां इस पॉपुलर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फेमस कुछ ही बिहाइंड द सीन्स दिखाने जा रहा हूं और जो देख के आप लोग गेस कर सकते हैं कि एक्चुअल इस तरह की फिल्म कैसे बनती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सबसे पहले आते हैं 2018 में रिलीज हुई स्त्री फिल्म के इस फेमस सॉन्ग पर। यस, यहाँ फिल्म के साथ साथ इस सॉन्ग में भी कॉमेडी और हॉरर टच देखने मिलते हैं। यहाँ पूरा सॉन्ग को हॉरर थीम के साथ प्रेजेंट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सॉन्ग शूट करने के लिए एक फिजिकल सेट क्रिएट किया गया था। इस सेट की बैकग्राउंड पे ग्रीन स्क्रीन से घिरा हुआ था। एक्चुअली ये सॉन्ग तैयार करने में लगभग 70% सीजी वीएफएक्स का यूज किया गया है। आई मीन सॉन्ग के शूटिंग के दौरान बैकग्राउंड में जो ग्रीन स्क्रीन था वो एडिटिंग के थ्रू रिमूव कर दी गई और वहां पर सीजी वीएफएक्स के माध्यम से सभी हॉरर पैलेस, घर, कब्रिस्तान दिखाए गए हैं। आओ कभी हवेली पे इस सॉन्ग का सिंगर बादशाह को एक कफिन के अंदर दिखाया गया है। आपको बता दूं कि ये सीक्वेंस शूट करने टाइम डामी एक काफिन यूज किया गया है। इसके पीछे था ग्रीन स्क्रीन। आफ्टर दैट पोस्ट प्रोडक्शन पे सभी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके हॉरर थीम ऐड करी गई थी। नेक्स्ट एक सीन में राजकुमार राव को ड्राकुला के अवतार में दिखाया गया है जिसमें उनके गालों पर बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली उन्हें नकली दांत पहनकर शूट किया गया था और सॉन्ग की शूटिंग टाइम उन्होंने हॉरर टाइप के रेड कलर की लेंस भी पहने थे जो आप यहां देख सकते हैं। बॉलीवुड चार्म एंड भोजपुरी सोया की कंबाइन पे बनी आई नहीं ये सॉन्ग स्त्री 2 सीक्वल का एक फेमस सॉन्ग। इस सॉन्ग को भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने गाया है और साथ ही साथ सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार एंड म्यूजिक डायरेक्टर सचिन जिगर के वॉइस भी है। दरअसल आई नहीं ये सॉन्ग पे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की एक लव एंगल दिखाया गया है। एक्चुअली ये एक प्रॉमिसिंग सॉन्ग जहाँ की थीम काफी हद तक ऐसा था, प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रॉमिस करके भी नहीं आ सकी। यहाँ आपको बता दूं कि इस फेमस सॉन्ग की शूटिंग के लिए मुंबई पे एक फिजिकल सेट तैयार करा गया था और ये सेट को 100% स्क्रीन पे प्रेजेंट की गई। आई मीन सॉन्ग को बनाने के लिए एक्स्ट्रा कोई भी सीजी वीएफएक्स का हेल्प नहीं लिया गया था। आई नहीं सॉन्ग का पूरा सेट एक शानदार नाइट थीम पर बेस्ड करके क्रिएट करी गई थी जहाँ पे एक पैलेस बनवा गया था और उसी पैलेस के फ्रंट पे हजारों सनफ्लावर्स के बागीचा तैयार किया गया था। आपको बता दूं कि यहाँ पे दिखाई गई सभी फ्लावर्स रियल नहीं हैं, इन्हें सिर्फ शूटिंग पर्पज लगाया गया था। इसके अलावा सेट के ऊपर एंड अराउंड में स्काई दिखाने के लिए कैनवास के थ्रू आर्टिफिशियल नाइट स्काई भी बनाया गया था जहाँ रिसेंट टाइम पे सभी मूवी सीजी वीएफएक्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। वहाँ स्त्री 2 फिल्म की इस सॉन्ग को पुरानी दिनों जैसा फिजिकल सेट के अंदर 100% शूट किया गया है और सीजी वीएफएक्स पे बनी कोई भी फेमस सॉन्ग जैसा ये सॉन्ग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं।